कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर के दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में जम्पाई सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों को भी बुलाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस कोटे के मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए हर सीट पर चर्चा होगी। किन जनहित मुद्दों पर आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाया जाए ये तय किया जाएगा। झारखंड की महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए ताकि विपक्ष द्वारा किसी भी तरह जनता को बरगलाया ना जा सके, इस पर रणनीति बनेगी। 2019 के और वर्तमान चुनावी हालात पर चर्चा कर आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। घोषणा पत्र सहित सारे समीकरणों, गठबंधन दलों के साथ संवाद और समन्वय की रणनीति पर चर्चा होंगे। झारखंड में 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में लेकर एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में झारखंड बैठक होने वाली है। महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में किस तरीके से लेकर आया जाए, वर्तमान चुनावी हालात पर चर्चा कर आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी और घोषणा पत्र सहित सारे समीकरण, गठबंधन दलों के साथ संवाद होगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा मंथन होने की संभावना। झारखंड को लेकर कांग्रेस एक नई रणनीति बनाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राहुल गांधी, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो प्रदेश कांग्रेस की आज बैठक होने वाली है दिल्ली में। फिलहाल बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस नेता दिल्ली रवाना हुए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाली बैठक महत्वपूर्ण है और कई मुद्दों को लेकर मंथन होगा। तो कांग्रेस के नेता दिल्ली रवाना हो चुके हैं और अब कुछ ही समय में दिल्ली में बैठक होना है। बैठक है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का उसमें मार्गदर्शन मिलेगा और जो राज्य में किस तरह से हम लोग ने जीत हासिल की है और उस निमित्त कहां कुछ कमी रह गई है उसको ध्यान में रखते हुए सारी बातों पर चर्चा होगी और हम समझते हैं होना है 4 राज्यों में, उस निमित्त सभी राज्यों की बैठक हो रही है। सबसे पहले हम लोगों को समय मिला है, हम ये कह सकते हैं कि तैयारी सुनिश्चित करने के लिए काफी समय मिलेगा। हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रभारी मीर साहब के आदेश पर हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। विगत लोकसभा चुनाव की जीत हार की समीक्षा भी होगी, आगामी विधानसभा की भी समीक्षा होगी और जो भी पार्टी के आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ अमर लाल जुड़ चुके हैं। अमर, आज कांग्रेस प्रदेश का बैठक होने वाला है दिल्ली में, क्या कुछ उद्देश्य रहेंगे इस बैठक का? देखिए, बिल्कुल साफ है उद्देश्य, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन प्रदीप बालमुचू हैं। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जो एक चुनाव का एक समीकरण बनाया जाएगा और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। तैयार का मतलब ये है, क्योंकि इस बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक कांग्रेस मुख्यालय में 5 बजे होनी है। उस बैठक में जो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमारा जो प्रदर्शन रहा है, खास करके कांग्रेस पार्टी का झारखंड प्रदेश में, उन्होंने कहा कि आदिवासी वाले सीट तो हम जीत गए लेकिन जनरल सीट हम नहीं जीत पाए, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या यही स्थिति कम से कम जो रहेगी इसको बेहतर किस तरह से हम बनाएंगे और किस तरह से हम आम लोगों में भी हम प्रवेश करेंगे, कांग्रेस पार्टी घुसेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि एक रिपोर्ट भी है जिसको सबमिट करना है, जो रिपोर्ट बनाए गए हैं। दूसरी बात ये है कि पार्टी ये चाहती है कि विधानसभा चुनाव में हम जीत करके आए और कांग्रेस पार्टी या फिर जेएमएम गठबंधन जो है सरकार बनाए, और सबको यही चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की भी कल मीटिंग थी तो कांग्रेस की आज मीटिंग है,
तो कांग्रेस ये तमाम चीज़ों को लेकर के एक बैठक बुलाई है, जो तमाम बड़े नेता हैं झारखंड के, उनको दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली में आएंगे और 5 बजे आज जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो बैठक होगी उसमें एक रणनीति होगी। सब अपनी अपनी बात भी रखेंगे, उनसे राय मशवरा भी लिया जाएगा कि आखिर आगे अब क्या करना है, जो विधानसभा हम जीत जाएं दोबारी हम वहाँ सरकार बनाएं। तो यही इसी मुद्दे को लेकर के आज मीटिंग है। देखना ये होगा कि टास्क क्या दिया जाता है राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से झारखंड के कांग्रेसी नेताओं को। अमर, लोकसभा चुनाव हाल ही में हुआ और उससे बहुत कुछ हर पार्टियों ने सीखा है। जाहिर सी बात है, और कुछ ही महीने के बाद, तकरीबन 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। देखिए, आदिवासी वोट बैंक में इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस का अच्छा दबदबा है, अच्छी सेंधमारी है, लेकिन जो जनरल वोट बैंक है उनका क्या करेंगे? कहां चूक रह गई थी लोकसभा में जो यहां पर सुधारेगी? बिल्कुल आपने सही कहा, और इससे पहले भी जो हमारी नज़र थी इसी बात को लेकर के थी कि कांग्रेस पार्टी आखिर जनरल सीट पर क्यों हार गई, क्यों पिछड़ जा रही है, क्योंकि और जगह अगर आप देखें तो झारखंड से बेहतर प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी और जगह भी अगर देखें तो जनरल में बेहतर प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आदिवासी सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। तो दोनों पार्टियों के पास जो है अलग अलग टास्क है, एक को है आदिवासी में अपनी पैठ बनाना भारतीय जनता पार्टी को, दूसरा कांग्रेस पार्टी को ये है कि जनरल जो सीट है उस पर अपनी पैठ बनाना, जनरल लोगों में पैठ बनाना। तो इसको लेकर के इसलिए मैं कहा था कि राहुल आज जो बैठक होगी उस बैठक में राहुल गांधी क्या होमवर्क देते हैं, क्या टास्क दिया जाता है कि आप इसको बेहतर कीजिए। कहा यह भी जा रहा है कि आप लोगों से मिलिए, आप लोग जाइए घरों में, जाइए लोगों से मिलिए, बात कीजिए आखिर दिक्कतें कहाँ हैं, क्या मजबूरियाँ हैं, या फिर क्या हम उस लायक नहीं हैं जो हमें वोट लोग नहीं करते हैं, जनरल कास्ट के बारे में कहा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन होमवर्क दिए जाएंगे। ऐसे में यही उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया था, विधानसभा चुनाव होने वाला है झारखंड में, और झारखंड में भी अगर देखा जाए झारखंड भी कांग्रेस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है, तो क्या विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कुछ हथकंडे अपना सकते हैं राहुल गांधी को, यात्रा वगैरह कर सकते हैं क्या? देखिए, फिलहाल तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि राहुल गांधी यात्रा खास करके झारखंड को लेकर करेंगे, लेकिन हाँ ये बात बता दें कि जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने किया था, फिर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के मुंबई महाराष्ट्र तक किया था, तो उसमें झारखंड भी था, झारखंड में भी वो प्रवेश किए थे तकरीबन एक सप्ताह। काफी अच्छा लाभ में मिला कांग्रेस को अमर, ऐसा जरूर होगा, लेकिन सवाल है कि अभी उनका कोई ऐसा प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कांग्रेसियों को लगता है कि यही यात्रा था जिस वजह से हम जीत कर लिखे, जीत हासिल किए, लेकिन मामला सिर्फ यात्रा का नहीं है, मामला कई और होते हैं, नाराजगी सरकार से होती है, नाराजगी क्योंकि 10 साल का केंद्र में सरकार रही है, हो सकता है कि उसकी भी नाराजगी हो, लोगों को हर लोग हर सभी किसी को कुछ नहीं कर सकता है, तो भी भारतीय जनता पार्टी भी अपनी एक कमर कसनी शुरू कर दी है, कांग्रेस की भी अपनी एक रणनीति है। देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या किसकी जीत और किसकी हार होती, हर लोग दावे अपने अपनी ओर से ठोक रहे हैं कि हमारी इस बार जीत होगी और हम 44-45 से पार हो जाएंगे, जो जादुई आंकड़ा है झारखंड में सरकार बनाने के लिए। ठीक है, तो जनता को तय करनी है, लेकिन आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।